हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए एंट्रेंस के एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं और हर आप तैयारियों में जुटे होंगे और हर 5-10 मिनट में आपके मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि कितने नंबर पे मेरा होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपकी कन्फ्यूज़न में दूर करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपना लक्ष्य टारगेट पता होना चाहिए कि मैं कितना करूँ सही सही तो होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तुक्का वाला काम तो आप लास्ट में करोगे, लेकिन पहले कन्फर्मेशन की कितना आपको करना है ये तो आपको पता होना चाहिए, कितना मेरा हो जाए तो कितना आप पहले मन से सही से कर लोगे, ये हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए देखिए, हम लोग आपको मैं बताऊं कि मैं आपको एक रेंज बताऊंगा कि मैंने बनाई है कट ऑफ की कि हो जाएगा कितने में आपका, तो वो मैं आप कैसे लाएंगे, किस सेक्शन से कितना लाना है आपको, कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, मैं उस पर आपको टिप्स दूंगा, कुछ बताऊंगा कि आप कैसे करें। और दूसरी बात कि कट ऑफ में हम पिछले ईयर कट ऑफ देखेंगे कि पिछली बार जो कट ऑफ आया वो तो उस पे आया कि कितने बच्चों ने सही कितना किया, मतलब कितने सही क्वेश्चन उनको चाहिए था परसेंटेज में ताकि आपका हो, मतलब कितने सही, प्लस इस बार कितने बढ़ जाएंगे ये माइनस मार्किंग के हटने की वजह से, मतलब जितना वो लोग पिछली बार सही किए उतने नंबर मिले उनको क्योंकि माइनस मार्किंग थी और उतने पे लोगों का हो गया, मतलब उतने रियल क्वेश्चन उनको चाहिए करेक्ट। प्लस इस बार जो तुक्का उक्का लगेंगे प्लस जो माइनस मार्किंग बचेगी मार्क्स जो बढ़ोतरी होगी कट ऑफ में वो मैं जोड़ रहा हूँ इसमें। तो मैंने एक नई कट ऑफ बनाई है अराउंड, तो उसके बीच में आपको रहना है। उस कट ऑफ के अगर आप बीच में रहेंगे तो आपका हाई चांस है कि आपका हो। कट ऑफ तो ऊपर नीचे हो जाता है पेपर के टफनेस के ऊपर, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, पेपर बहुत ईजी आ गया, लड़ गया लोगों के लूसेंट से उनकी तैयारी से, तो कट ऑफ तो बहुत ही हाई जाएगा। अब वो लोग माइनस मार्किंग हटा रहे हैं कहीं पेपर को टफ ना कर दें, तो माइनस मार्किंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ऐसा हो नहीं सकता, होगा जरूर पड़ेगा, टफ कर देंगे तो थोड़ा कम पड़ेगा, तो कट ऑफ गिर भी सकती है। तो मैंने एक एस्टिमेटेड बनाया है, तो आइए उसको देखते हैं। उसमें देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता दें, पहले बता दूँ कि वो जो अब मैंने कट ऑफ बनाई है उसमें मैंने ये बात का ख्याल रखा है कि इसके ऊपर ना जाए, नीचे रहे, और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है इसी रेंज में रहेगा। तो आपको मैं अपनी कट ऑफ दिखाता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लें, 121.5 जनरल की थी अराउंड, ये देखिए 40% के आसपास है। ओबीसी की 104 थी, ठीक, तो ये अराउंड आपकी 38 अराउंड, ये आपकी एक अराउंड 30-32% के आसपास ये कट ऑफ है। अगले देखिए 28% के आसपास आपकी कट ऑफ पड़ती है। और एसटी का देखिए ऑल कैंडिडेट, मतलब वो पहले बार जब बुलाते हैं तो सभी एसटी वालों को बुला लेते हैं, क्योंकि उनकी सीटें कम रहती, ज़्यादा रहती है, बच्चे कम रहते हैं, तो सबको बुला लेते हैं, ठीक। तो ये आपकी अराउंड देखिए परसेंटेज 40 के आसपास जनरल वालों का वैरी करता है, तो बढ़ोतरी 10-15% की ही होगी, इतनी इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो ये देखिए जो मैंने कट ऑफ आपके सामने बनाई है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से इतनी ही होनी चाहिए। वो मैं क्यों होनी चाहिए देखिए मैं बताता हूँ। पहली बार जनरल की पिछली बार 121 गई थी, ठीक, इस बार क्या होगा, बच्चों की जो गलती होती थी उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो मान लीजिए पिछली बार तुक्का वाला मैं फैक्टर हटा ही दूँ और जो बच्चों की गलतियों से मार्क्स कट गए थे, तो जो गलती उन लोगों ने की होगी तो उन लोगों को मान लीजिए उसको जोड़ूँ तो मैं 121 से जो वो खींच के 10 आगे बढ़ा लीजिए, 131-140 जो गलतियाँ हुई होंगी माइनस मार्किंग कटी होगी उनकी। प्लस इस बार जो फैक्टर बनेगा तुक्का मार के नंबर लाने वाला, उसमें जाहिर सी बात है 15-20 तुक्का मारा है तो 5-10 सही हुए होंगे तो जरूर बढ़ेंगे। तो उस 5-10 को मैं जोड़ दूं तो 10-15 नंबर वो हो गए, इस हिसाब से 15-20-25 क्वेश्चन तो ऐसे ही बढ़ गए। तो मैं एक सेफ मैंने जोन बनाया कट ऑफ का, ये आपके सामने ओबीसी के लिए 145-165, हालांकि मैं इसको और करेक्ट करूँ तो 145 से लेके 155 मानिए आप, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है कि जनरल की जो पहली 160 है उसको ये टच करें, पीछे ही रहती है। एससी का भी देखिए, एससी का इतने से इतना के बीच होना है, और एसटी का देखिए इस बार हो सकता है ऑल कैंडिडेट को ना बुलाएं, क्योंकि इस बार तुक्का वाला फैक्टर है तो बच्चे क्या पता नंबर ले आए, तो लेस देन 50, मतलब 50 के तो ऊपर नहीं जाएगी, 0 भी हो सकता है इस बार भी ऑल कैंडिडेट। तो मेरे हिसाब से सामने कट ऑफ मैं रखना हूँ आपके, आई होप आपको इससे थोड़ी मदद मिलेगी। तो इस पर पूरी तरह लायर मत करिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इसके बीच में आप रहो, इससे कम तो कतई मत जाना अगर आपको सेफ चाहिए। प्लस आपके अच्छे नंबर होंगे तभी आपके कॉम्बिनेशन अच्छे होंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वरना आप फिर वही एजुकेशन और
ऐसे सब्जेक्ट लोगे, हालांकि कोई बेकार सब्जेक्ट नहीं होते साइकोलॉजी, कई लोगों को तो चाहिए ही होता है, लेकिन आपको अच्छे चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, मॉडर्न एंशियंट हिस्ट्री चाहिए, तो इसके लिए आपको अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे कॉम्बिनेशन में जल्दी बुलाए जाएंगे, तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने जाते होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, आपको प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, मैं सबके जवाब दूंगा, क्योंकि पेपर पास आ गया है, आपके डाउट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़रूरी हो क्लियर होना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो का, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।